आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक कुर्ग। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कुर्ग पर, जो ये क्लास 10th की बुक में है। एंड गाइज, मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप का एक वीडियो बना रही हूँ एंड होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अब मैं यहाँ पे एक पेपर बना रही हूँ और मुझे इसे बनाते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। यू नो गाइज, मुझे ऐसी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैंने इसे बस एक रात के लिए रख दिया था और ये सूखने के बाद सीरियसली एकदम पेपर जैसा बन गया था, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और अब हम करने जा रहे हैं हमारी प्रोजेक्ट की शुरुआत। पहले तो मैंने कुर्ग क्लास 10 की बुक ली और उसमें मैंने सारा रीड किया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुर्ग, जो कि सबसे ऊपर जो हेडिंग है इसकी कुर्ग। मैंने इसे स्टार्टिंग को मैंने इतना ज़्यादा हैवी नहीं बनाया, बहुत सिंपल बनाया है। आप चाहे तो इसे किसी भी टाइप से डेकोरेट कर सकते हैं। और अब बस मैं एक इस टाइप का मैंने एक पेपर बनाया था, जिसमें मैंने बस जो वेस्ट जो बच जाता है उस वाटर को मैंने बस टैप किया था और अब मैं इसे एक शेप में कट कर रही हूँ। लिटरली गाइज, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है जब मैं इसमें लिखती हूँ, बिकॉज एक तो पहले दिखने में तो ये बहुत गंदा पेपर लग रहा है, बट इसमें जब आप कोई भी चीज़ लिखोगे तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। अब मैं इसे एक स्केच से बॉर्डर्स बना रही हूँ इसकी। मैंने बिल्कुल बिलीव नहीं किया था कि इतना सुंदर बनेगा, क्योंकि जब पहले मैंने पेपर देखा था इस पेपर को तो ये बहुत गंदा था कि ये किसी बॉर्डर के लाइन भी नहीं था। बट मैंने फिर एक मुझे लगा कि चलो इसमें हम कुछ लिखते हैं, तो मैंने इसे कट कर दिया और फिर मैंने इसमें कुछ लिखा तो फिर ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने इसी को कुर्ग में भी यूज़ किया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरे अपकमिंग वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से दिखाऊंगी कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे बना है। और ये मुझे एक अच्छा हेडिंग लगा उस बुक में जब मैंने पढ़ा था तब, किंगडम ऑफ गॉड। मैंने इसको एक हेडिंग दे दिया, एक सब टाइटल मान लीजिए। फिर उसके बाद मैंने जो भी इंफॉर्मेशन उसे रिलेटेड है उसको मैंने भर दिया। एंड गाइस, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये यूनिक लगता है और बहुत ज्यादा प्रिटी भी। मुझे मेरा पेपर थोड़ा खाली खाली लगा, तो मैंने सोचा कि किंगडम यानी कि कोई राजा ही होगा ऑब्वियसली, तो मैंने उससे रिलेटेड एक यहाँ मुकुट बनाया है, जिससे मैंने स्टिकर की तरह कट कर दिया, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। फिर मैंने उसमें कुछ क्रिएचर्स और कुर्ग के मैन एंड वुमेन दोनों का ड्राइंग बनाया और उसे भी मैंने कट करके इसे पेस्ट कर दिया। इन सारे पेपर्स के बैकग्राउंड मैंने खुद से पेंट किए थे और इस कलर में मैंने सोचा कि थोड़ा सिंपल बॉर्डर बना दे, तो मैंने एक सिंपल बॉर्डर बनाया जिससे थोड़ा यू नो लाइक रॉयल वाला एक फील दे रहा था। एंड देन फिर मैंने इस पेपर को कट किया और फिर मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, मैंने उसे पेस्ट कर दी, जो कि कुर्ग से रिलेटेड थी, जैसे उनकी स्पाइसेस हो या रेन फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन। वैसे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसे बनाते वक्त। और मैंने उस पेपर को थोड़ा सा कर्व शेप में कट किया और उसके जो इस साइड में मैंने ब्लैक मार्कर से एकदम यू नो लाइक पूरा लाइंस बना दिए थे, फिर उसके बाद मैंने उसे वाइटनर से सर्कल्स बनाए और मुझे इसका टॉपिक बहुत अच्छा लगा। एंड यू कैन सी हियर, ये वही वाला पेपर जिसमें मैंने पेंट किया था, इसमें राइटिंग बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मेरे को लगा कि मुझे वेडिंग पे भी कुछ बनाना चाहिए, तो फिर मैंने वेडिंग से रिलेटेड मेरे पास कुछ वेस्ट पेंट बचे थे, तो फिर मैंने उसे पेंट कर दिया और रेड स्केच को यूज़ किया, जो कि फ्लावर जैसे बनाया। और उसके मैंने डार्क ग्रीन स्केच पेन से मैंने उसके लीव्स बनाए और ये भी गाइस बहुत प्यारा लग रहा था। और यू नो गाइस, मैं हर चीज़ को रीयूज़ करती हूँ, मैं किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करता।
सो आप देख सकते हैं मैंने इसमें पिंक एंड रेड दोनों यूज़ किए थे, जो कि थोड़ा फ्लावर्स टाइप का लग रहा था क्योंकि वेडिंग था। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और जब ये कंप्लीट हुआ था तो बहुत सुंदर लग रहा था। यू नो गाइस, फिर मुझे याद आया कि मुझे हेडिंग भी तो देनी है, तो फिर मेरे को लगा कि मुझे एक ऐसी हेडिंग देनी चाहिए जो अच्छा लगे, तो मैंने कुर्ग्स वेडिंग करके दी, एक सर्कल्स बनाए जिसके ब्लैक आउटलाइंस दिए, फिर उसे लीव्स से मैंने लीव्स बना दिए और रेड एंड पिंक कलर कर दिया ताकि वो फ्लावर्स मैच करे। और फिर मैंने कुर्ग्स करके यहाँ पे लिख दिया। फिर बाद मैंने इंटरनेट में थोड़ा ढूंढा, फिर मुझे एक वेडिंग बहुत ही अच्छा लगा उसकी राइटिंग, तो मैंने उसको लिख दिया। और फिर बाद में मैंने एक स्टिकर बनाया जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल था इस हेडिंग के लिए, और इस स्टिकर के कारण पूरा का पूरा पेपर बहुत प्यारा लग रहा था। एंड देन कुछ देर बाद मैंने कुछ होममेड स्टिकर्स बनाए जो एकदम ऐसा लगता जैसे शॉप से खरीदे, बहुत क्यूट। फिर मैंने कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाई जो कि कुर्ग से रिलेटेड थी, उनके कॉफ़ी प्लांटेशन व्हाटएवर। फिर बाद में एक एक करके सबको पेस्ट किया जिस टॉपिक से वो पिक्चर रिलेट करता है। एंड देन फिर मैंने उसके भी छोटे बॉर्डर्स बना दिए ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो सके। सो गाइस, मेरे पास कुछ पिक्चर्स एक्स्ट्रा थी, तो फिर मेरे को एक नया पेपर बनाना था, एक नया बैकग्राउंड बनाना था, तो मुझे ये पेपर मिला और जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका बुरा हालत था, तो फिर मैंने इसको रिक्रिएट किया। ये पेपर एकदम फेड हो चुका था, तो इसलिए मैंने इस पर डार्क स्केच यूज़ किया ताकि इसमें जो भी डिज़ाइन या बॉर्डर बनाऊँ वो एकदम क्लियर दिखे इसमें। बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार ये बन ही गया। वैसे भी इसमें और भी बहुत कुछ मुझे ऐड करना है। एंड नाउ अब हम कुछ लाइट स्केचेस यूज करेंगे इसे थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए। और अब पेंट ब्रश की हेल्प से मैं इन सबको थोड़ा वाटर से गीला कर दूंगी ताकि ये थोड़ा स्प्रेड हो जाए। एंड यू नो गाइस, रश्मिका भी कुर्ग की है, वो कोडावा फैमिली से बिलोंग करती है, और मैं रश्मिका की कुछ फोटोज और साथ ही में उसके फैमिली के बारे में यहाँ पे कुछ लिख दिया है जो कि वो कोडागु फैमिली से बिलोंग करती है कुर्ग से। और फिर मैंने यहाँ पे क्यूट सा होममेड स्टिकर यहाँ पे पेस्ट किया है, ये मैंने खुद से बनाई पेंसिल, और आप देख सकते हैं इस पेपर में कितना प्यारा लग रहा है मेरी राइटिंग। मुझे पर्सनली ये वाला बॉर्डर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। और अब स्टिक फाइल की हेल्प से मैं सब कुछ अरेंज करूंगी, और मैंने स्टिक में अपना नेम भी लिख लिया है, नेम और क्लास। टोटल मैंने 6 पेपर्स कवर किए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।